अक्सर देखने के लिए मिलता है कि काफी सारी अभिनेत्रियां शादी करने के बाद में इंडस्ट्री को छोड़ देती है और अपने परिवार पर ध्यान देती है। लेकिन जब मिस वर्ल्ड रह चुकी ऐश्वर्या राय ने अभिषेक बच्चन के साथ में शादी की थी तो उनके चाहने वालों के मन में भी यही सवाल आया था। लेकिन इस पर एक्ट्रेस ने सालों पहले बात भी की और अपना रिएक्शन भी दिया। मालूम हो कि ऐश्वर्या राय ने साल 2007 में अभिषेक बच्चन के साथ शादी कर ली थी। अभिनेत्री के फैन फॉलोइंग भी देश से लेकर दुनिया भर में है। तब उनकी एक फिल्म गुरु भी रिलीज हुई थी और यह सुपरहिट भी साबित हुई थी। लेकिन शादी के बाद ऐश्वर्या को अपने पति अभिषेक के साथ इंटरनेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा गया, जहां पर उनसे शादी और बच्चों के बाद फिल्में छोड़ने पर सवाल किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ऐश्वर्या से एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि क्या अभिषेक के साथ शादी और बच्चे हो जाने के बाद उनके प्रशंसक उनको खो देंगे। तब ऐश्वर्या ने जवाब में कहा कि मुझे बच्चों की बहुत चाहत है, मैं अपनी शादी में बहुत खुश हूं और आनंद ले रही हूं। इसीलिए इसमें खुद को खो देना सवाल ही नहीं उठता है। भले ही उस वक्त ऐश्वर्या ने अपने करियर से ब्रेक लेने की बात से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन बेटी आराध्या के जन्म के बाद एक्ट्रेस को फिल्म इंडस्ट्री में काफी कम एक्टिव देखा जाता है। उनको आखिरी बार भी पोन्नियिन सेल्वन 2 फिल्म में देखा गया था। हालांकि पिछले लंबे समय से अभिषेक और ऐश्वर्या के अलग होने की चर्चा थी, लेकिन अभी तक दोनों ने इस पर कुछ भी पुष्टि नहीं दी है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही दिलचस्प जानकारी पाने के लिए हमारा चैनल फॉलो करें।